इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहा जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी दरअसल हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की जो फिजिकल अरेंजमेंट है उसे कहते हैं। अब फिजिकल अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि जो नेटवर्क की आउटलुक आ रही होती है हमारे सामने, जो नेटवर्क हमें बाहर से नजर आ रहा होता है, और जिस तरीके से हमने नेटवर्क के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी उसके अंदर कंप्यूटर्स हैं, हमने उनको जिस तरह से अरेंज किया होता है, उस अरेंजमेंट को दरअसल कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम इसके अंदर जानते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क से क्या मुराद है। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो किसी भी नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं, और इसके अलावा उन कंप्यूटर्स को हम एक और नाम देते हैं, उन्हें हम एक और नाम से जानते हैं, उन्हें हम नोड्स भी कहते हैं। यानी एक साथ आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है इसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, इन्हें हम नोड भी कहते हैं। और इन तमाम कंप्यूटर्स को या इन तमाम नोड्स को कनेक्टिंग लाइंस के जरिए, यानी इनको हमने वायर के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है, इन्हें हम कनेक्टिंग लाइंस कहते हैं। अब याद रहे आपको कि जो नोड है ये कोई कंप्यूटर भी हो सकती है, और इसके अलावा हमारे पास और कोई नेटवर्किंग डिवाइस हो सकती है, जैसे कि हमने डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस इससे पहले पढ़ी थी, राउटर, स्विचेस, वो भी उसे भी नोड कहा जा सकता है। अब अगर आप इस पिक्चर पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं एक खास अरेंजमेंट से। हर अरेंजमेंट डिफरेंट है और हर अरेंजमेंट का एक खास मकसद है। अब देखें, जैसे कि इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे डिफरेंट टोपोलॉजीज दिखाई गई हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री, मैश, पॉइंट टू पॉइंट, ये डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। अब हम इसकी डिटेल जानेंगे। तो ये टाइप्स हमने आज की इस वीडियो में पढ़नी है। वो टाइप्स क्या हैं? वो टाइप्स ये हैं कि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये टाइप्स हैं बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बस टोपोलॉजी से। बस टोपोलॉजी जो है उसके अंदर हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो तमाम कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल वायर से। इस सेंट्रल वायर को बैकबोन ऑफ नेटवर्क कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेंट्रल वायर है अगर इसके अंदर कोई खराबी आ जाए, इसके अंदर कोई मसला आ जाए, तो आपका पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। अब आपको जो सेंटर में वायर नजर आ रही है इसे हम कहते हैं, ये कहलाती है बस, इसे बस वायर कहा जाता है। और ये जो बस टोपोलॉजी है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको दरअसल स्मॉल नेटवर्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी छोटे नेटवर्क के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर ए है, और ये कंप्यूटर ए जो है ये अपना डाटा भेजना चाह रहा है इस कंप्यूटर को, जो कि यहाँ से इससे काफ़ी फासले पर मौजूद है। एक्स कंप्यूटर को इसने कोई मैसेज भेजना है, तो क्या होगा कि यहाँ से ए मैसेज ट्रांसमिट करेगा, तो वो मैसेज जो है वो इस मेन बस वायर के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे जो बस वायर के अंदर मैसेज आएगा इसको एक खास नाम से हम जानते हैं, इसे कहा जाता है टोकन। उसके बाद ये टोकन जो है इस मैसेज के, ये मैसेज जो है इस टोकन के अंदर ट्रेवल करेगा, और रास्ते में जितने भी कंप्यूटर्स आएंगे, लेट सपोज इस कंप्यूटर को हम नाम दे देते हैं बी का, इसको हम नाम दे देते हैं सी का, डी का, तमाम कंप्यूटर्स तक ये जो मैसेज होगा ये जाएगा, लेकिन ये सिर्फ रिसीव उस मैसेज उस कंप्यूटर को होगा जिसको हमने भेजा है, यानी जिसका एड्रेस मैच करेगा, ये उसी कंप्यूटर के पास जाएगा। जैसे ही ये ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपकी बस फ्री हो जाएगी, और जैसे ही आपकी बस फ्री होगी उसके बाद फिर जो है आप अगला मैसेज भेज सकेंगे। इस बस वायर के एंड्स पर, यहाँ पे जो आपको दो एंड्स नजर आ रहे हैं, इस एंड पे एक डिवाइस लगाई जाती है जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या करता है? टर्मिनेटर जो है वो आपकी इस बस में मौजूद जो अननेसेसरी डाटा है उसे टर्मिनेट कर देता है, ताकि आपकी बस जो है वो अगली ट्रांसमिशन के लिए बिल्कुल फ्री हो जाए। तो बस टोपोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है छोटे नेटवर्क्स के लिए, और जहाँ पे हमारे पास जो इसकी कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है, यानी इसको हमने, इसका एक एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जितनी भी कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। अब इसका जो नुकसान है, नुकसान इसका ये है कि अगर आपकी बस वायर के अंदर कोई ख़राबी आ जाए तो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो ख़राब हो जाएगा। और इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो इसके अंदर जो एक वक्त में एक सेंडर है और एक रिसीवर है, जबकि बाकी कंप्यूटर्स को वेट करना पड़ रहा है बस के फ्री होने का, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो ट्रांसमिशन है नेटवर्क की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो रही है। तो
तो ये हमने पढ़ा बस टोपोलॉजी के बारे में कि बस टोपोलॉजी क्या होती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टोपोलॉजी को समझते हैं। नेक्स्ट टोपोलॉजी है, इसे हम कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो तमाम कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल वायर से जो कि रिंग की शक्ल में होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वायर दिखाई गई है। अब यहाँ पे डेटा किस तरह से ट्रांसमिट होता है कि लेट सपोज ये हमारे पास कंप्यूटर ए है और ये अपना मैसेज भेजना चाहता है कंप्यूटर एक्स को, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से जब मैसेज भेजेगा तो वो मैसेज इस रिंग वायर के अंदर आ जाएगा। जब ये रिंग वायर के अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे भी उस मैसेज का एक टोकन क्रिएट होगा और यहाँ से वो मैसेज ट्रेवल करेगा हर कंप्यूटर तक जो भी इस रिंग के साथ कनेक्टेड है। तो लेट सपोज इस कंप्यूटर को हम नाम दे देते हैं कंप्यूटर बी का, इसको हम नाम देते हैं कंप्यूटर सी का और इसे हम नाम देते हैं कंप्यूटर डी का। अब ए से लेकर एक्स तक ट्रांसमिशन होनी है, ए से लेकर एक्स तक हमने डाटा पहुंचाना है, तो यहाँ से टोकन ट्रेवल करेगा बी तक पहुंचेगा, बी इसको रिसीव करेगा लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेगा और वापस इसको इस रिंग वायर में डाल देगा। उसके बाद यही टोकन जो है ये सी तक पहुंचेगा लेकिन सी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद यही टोकन जो है वो पहुंचेगा एक्स तक। अब जैसे ही एक्स तक पहुंचेगा तो यहाँ पे एड्रेस मैच कर जाएगा। जैसे ये एड्रेस मैच करेगा तो उसके बाद ये कंप्यूटर जो है इस टोकन को एक्सेप्ट कर लेगा और ए से लेकर एक्स तक की जो डाटा ट्रांसमिशन थी या डाटा कम्युनिकेशन थी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह बाकी कंप्यूटर्स भी जो है वो आपस में कनेक्ट होंगे। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि आपकी जो सेंट्रल वायर है रिंग वायर, अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, इसके अंदर कोई खराबी आ जाए तो क्या होगा कि आपकी जो ओवरऑल नेटवर्क है वो तमाम का तमाम नेटवर्क आपका खराब हो जाएगा। लेकिन इसका फायदा यही है कि इसको इम्प्लीमेंट करना काफी आसान होता है और इसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम होती है। तो ये था रिंग टोपोलॉजी। अब आप देखें कि जितनी भी टोपोलॉजी अब तक हमने पढ़ी हैं वो तमाम ताल्लुक रखती हैं कंप्यूटर्स की अरेंजमेंट से, कि हम कंप्यूटर को अरेंज किस तरह से करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी। नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारे पास है वो है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं तमाम कनेक्टेड होते हैं एक सेंट्रल डिवाइस से, और ये सेंट्रल डिवाइस जो है ये हमारे पास कोई भी स्विच हो सकती है, कोई सर्वर हो सकता है या कोई राउटर हो सकता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सेंट्रल हब है, ये हमारे पास एक स्विच है जिससे तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। जरूरी नहीं है कि कोई स्विच हो, सर्वर भी हो सकता है या कोई राउटर भी हो सकता है। अब ये जो डिवाइसेज हैं स्विच, सर्वर, राउटर, ये हम अलग-अलग से इसको पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास नेटवर्किंग हार्डवेयर है जो कि इस्तेमाल होता है जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास ये सेंट्रल डिवाइस होती है, लेट सपोज अगर यहाँ पे आपने स्विच लगाया हुआ है तो स्विच से जो है तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये स्विच जो है तमाम मैसेजेस को हैंडल कर रहा है, यानी अगर इस कंप्यूटर ए ने कंप्यूटर बी तक कोई डाटा भेजना है तो वो इस मैसेज को इस स्विच तक भेजेगा और स्विच जो है इस मैसेज को इंटेलिजेंटली डील करेगा और डील करने के बाद इसको डायरेक्ट भेज देगा बी तक। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ए ने जो मैसेज भेजा है वो बाकी कंप्यूटर्स तक भी पहुंचे। अब ये सारा कंट्रोल जो है स्विच के पास है कि वो किस तरह से मैसेजेस को डायरेक्ट करता है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे राउटर लगाया हुआ है तो राउटर भी यही काम करेगा कि यहाँ से जो मैसेज रिसीव करेगा उसको आगे रूट कर देगा या उसके लिए आगे फॉरवर्ड वे बना देगा। और इसी तरह अगर आपने सर्वर बनाया हुआ है तो सर्वर सेंट्रल एक डिवाइस होगी जो तमाम कंप्यूटर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो स्टार टोपोलॉजी जो है वो इससे पहले जो हमने टोपोलॉजीज पढ़ी थी उनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसके अंदर हमारे पास जो अगर हम एक न्यू डिवाइस ऐड करना चाहें तो वो हम आराम से कर सकते हैं। अब जैसे कि अगर यहाँ पे इस वक्त चार कंप्यूटर्स हैं और आप इसमें एक न्यू डिवाइस लाना चाहते हैं तो एक न्यू डिवाइस इस स्विच के साथ कनेक्ट हो जाएगी, आपको यहाँ पे पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जबकि इससे पहले जो हमने टोपोलॉजीज पढ़ी थी, जैसे कि हमने स्टार टोपोलॉजी पढ़ी थी और रिंग टोपोलॉजी पढ़ी, अब अगर मैं यहाँ पे एक नया कंप्यूटर लाना चाहता हूँ, एक नई डिवाइस लाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो इसकी सेंट्रल रिंग वायर है ये कट करनी पड़ेगी, इसको यहाँ से डिस्टर्ब करना पड़ेगा। इसी तरह बस वायर में भी आपको लिए एक न्यू डिवाइस को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इसका ये फायदा है हमारे पास। एक और फायदा इसका ये है कि इसके अंदर जो एरर डिटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रल डिवाइस होती है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है। इसके अंदर एक सीपीयू लगा होता है जो कि प्रोसेस करने की सलाहियत रखता है, तो कहीं पे भी किसी भी डिवाइस में अगर नेटवर्किंग एरर आ रहा है तो ये इंटेलिजेंटली इसको डील करती है और एरर को रिमूव कर लेती है। तीसरा इसका फायदा ये है कि अगर कहीं पे भी एक डिवाइस फेल हो जाए तो इससे ये नहीं होगा कि आपका पूरा नेटवर्क
डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा. यानी लेट सपोज अगर कंप्यूटर ए जो है यहाँ के इसके नेटवर्किंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी नेटवर्क को इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ी थी टोपोलॉजीज, वहां पे अगर एक कंप्यूटर में भी अगर एक कंप्यूटर भी अगर खराब हो जाए तो उससे क्या होगा कि पूरी रिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और रिंग टोपोलॉजी में आपका पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा. बस टोपोलॉजी में भी अगर एक कनेक्शन में खराबी आ जाए तो पूरी बस डिस्टर्ब हो जाएगी. तो ये इसका एक फायदा है. अब चलते हैं अपनी लास्ट टोपोलॉजी की तरफ जो कि है मैश टोपोलॉजी. मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है. यानी कि एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड, हर कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे कंप्यूटर के साथ. आप जैसे कि इस पिक्चर में देखेंगे और ये एक नेटवर्क में इस तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है. अब हम इसको चेक कर लेते हैं. जैसे कि लेट सपोज ये हमारे पास कंप्यूटर ए है, अगर आप यहाँ पे इसकी लाइंस देखें कनेक्टिंग लाइंस, ये बी के साथ भी कनेक्टेड है, ये सी के साथ भी कनेक्टेड है, ये डी के साथ भी कनेक्टेड है, ई के साथ भी कनेक्टेड है और एफ के साथ भी कनेक्टेड. इस तरह तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है. तो ये कंप्यूटर जो मैश टोपोलॉजी है, ये जितनी भी टोपोलॉजीज हमने पढ़ी थी, ये ट्रांसमिशन ऑफ स्पीड के हिसाब से ये जो टोपोलॉजी है ये ज़्यादा बेहतर है. इसकी वजह क्या है, इसमें हमारे पास डिफरेंट पाथ्स होते हैं. यानी कि अगर यहाँ पे ए ने डी तक डाटा भेजना है तो उसके पास एक तो स्ट्रेट पाथ है, इसके अलावा ये ए से बी, बी से सी एंड सी से डी तक भी भेज सकता है, या फिर ए से डायरेक्ट सी से लेकर डी तक. तो हमारे पास एक डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं. कहीं पर अगर एक रास्ते में रुकावट होगी तो हमारा कंप्यूटर, हमारा ये नेटवर्क क्या करेगा कि वहाँ से जितना भी हमारा डाटा आ रहा होगा उसको दूसरे पाथ पे डाल देगा. तो इस तरह से जो मैश टोपोलॉजी है वो बाकी टोपोलॉजी से बेहतर है. तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि डिफरेंट टोपोलॉजीज क्या होती हैं, उनकी हमने एक बुनियादी वर्किंग जानने की कोशिश की और हमने ये जाना कि दरअसल नेटवर्क टोपोलॉजी किसे कहते हैं.